हम लोगों ने पनीर ले लिया है ये। हाँ तो इसको हम लोग छोटे छोटे टुकड़े करेंगे, ठीक है। इसको कहाँ रखूँ, दिखाई भी तो देना चाहिए आप लोगों को। अब पनीर बोला, पनीर बोला क्या? यस हाँ, वो टाइम पे तो फिर कहाँ रखते हैं? फिर भी नहीं दिखता ना। तो ठीक है, मैं आपको ना काटने के बाद दिखाती हूँ, ओके। तो मैंने काट लिया ऐसे छोटे छोटे टुकड़े करना पड़ेगा इसको। हम ना आप ऑयल से भी फ्राई कर सकते हो, तो बटर से भी फ्राई कर सकते हो। मैं आज घी से इसको फ्राई करेंगे। तो घी से क्या होता है ना, वो ज़्यादा सॉफ्ट होता है, तो इसलिए मैं घी से बनाऊंगी और मुझे घी बहुत पसंद है। तो चलो फ्राई करते हैं। तो ये गर्म हो रहा है, तब तक हम घी हाँ ये वाला है अन्नपूर्णा घी, तो हम ये डालेंगे इसमें। आज को थोड़ा कम कर देंगे, बहुत गर्म हो गया। तो ना हम इसके ऊपर से पनीर डालेंगे ऐसे। पर हम लोग थोड़ा नमक दे देंगे। हाँ तो क्या होता है, इसके अंदर तो नमक होता नहीं है, तो इसलिए थोड़ा स्वाद के लिए हम लोग दे देंगे। तो इसके बाद जब ये लाल हो जाएगा पूरी तरह को बंद कर देंगे। तो मैंने इधर में तो पनीर को फ्राई करके रखा था और आलू को भी थोड़ा हल्का सा मैंने फ्राई कर लिया। और इधर में है प्याज, मैंने काट के रखा, टमाटर धो लिया उसको पीसेस करके रखा। और इधर में मसाला, अदरक लहसुन प्याज का पेस्ट अलग से बना दिया। ऊपर से मैंने रेड चिली पाउडर, धनिया और जीरा, नमक, हल्दी एक साथ मैंने रख दिया इसको। तो इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा गर्म होने देंगे इसको। तो इसके बाद तो पनीर फ्राई हो गया, देखो ऐसे ब्राउन कलर का हुआ है और बहुत सॉफ्ट है। देखो तो हल्का सा मैंने फ्राई किया, ज़्यादा फ्राई नहीं किया। ज़्यादा फ्राई करने से ना वो टाइट हो जाता है और खाने में अच्छा नहीं लगता। तो ये हो गया, अब चलते हैं आलू छीलने के लिए। तो मैंने पहले से ही आलू को उबल कर रखा था, तो वो रेडी करते हैं। तो आलू हम लोग छील लेंगे, ओके। इसके बाद मसाला रेडी करेंगे। हाँ तो आलू को भी ना आप लोग फ्राई कर सकते हो। तो क्या होता है ना, मसाले के साथ उसको भुनने से ना उसका कलर नहीं आता है, वाइट वाइट रहता है आलू सा। तो पनीर जैसे फ्राई किया अलग से, आलू को भी आप लोग पहले से फ्राई कर सकते हो। तो मैंने आलू को तो पहले से उबाल दिया,
तो उसको हम फ्राई कर लेंगे। तो आप लोग अगर चाहो ना तो क्या होता है ना कि आप लोग इसको बिना उबाले भी डायरेक्टली फ्राई करके मसाला देकर बना सकते हैं। तो मैं हमेशा ना उबाल के बनाती हूँ, तो उससे क्या होता है जल्दी हो जाता है। तो ठीक है, मैं ये करने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तेल डाल देंगे, तो तेल को अच्छे से गरम कर लेंगे। हमारा तेल गरम हो गया, अभी देंगे सूखा मिर्ची। तेज पत्ता, उसको फ्राई करेंगे थोड़ा सा, हल्का सा उसको फ्राई कर लेंगे। हाँ, तो अब हम डालेंगे काटे हुए प्याज। सॉरी गाइस, मुझे हिंदी ज़्यादा नहीं आता, बट थोड़ा गलती हो जाए तो सॉरी। तो आप डालेंगे हम प्याज। तो इसको हम फ्राई कर लेंगे जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाता, तब तक इसको हम फ्राई करेंगे। तो हमारा प्याज हो गया ब्राउन, ज़्यादा नहीं फ्राई करेंगे नहीं तो ये जल जाएगा, तो अच्छा नहीं होगा। अब डालेंगे मसाला जो हम लोग पीस के रखे थे, सब एक साथ दे देंगे। सब इधर में मिक्स करके रखे थे हम पहले ही, तो अब मसाले को फ्राई करेंगे। ये हो गया लगभग फ्राई मसाला। हम अभी देंगे थोड़ा सा दही। तो दही आप लोग दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, बट मुझे अच्छा लगता है दही बनाए। तो क्या होता है ना, दही देने से थोड़ा सा खट्टापन आता है, हम इसमें दही दे देंगे थोड़ा सा। तो इसको हम अच्छे से मिक्स करके फ्राई करेंगे। वाओ, स्मेल सो गुड। जब इसका स्मेल आने लग जाएगा ना, तो आपको पता चल जाएगा कि मसाला अच्छे से मतलब फ्राई हो चुका है। तो ज़्यादा मत कीजिएगा, नहीं तो फिर मसाला जल जाएगा ना, तो सब्जी खराब हो जाएगा। तो इसका हो गया, अभी इसमें दे देंगे टमाटर। आप लोग टमाटर का पेस्ट बनाकर भी दे सकते हैं, तो मैंने इसे दे दिया काट कर पीसेस करके। इसमें देंगे थोड़ा सा कस्तूरी मेथी। हाँ, कस्तूरी मेथी दे देंगे, उससे ना खुशबू बहुत अच्छा आता है। हाँ, आपको इसे इसको हिलाना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर
जल जाएगा, तो बार बार इसको हिलाते रहिएगा। तो इसके बाद हम लोग जो पनीर और आलू फ्राई करके रखे थे इसको ऊपर से डाल देंगे। इसको मिक्स करने के बाद अच्छे से मसाला पनीर आलू सब इसको मिक्स कर दीजिएगा। इसके बाद आप हल्का सा पानी डालकर इसको अच्छे से इसको मिक्स करना होता है। घुमाते रहिएगा। हाँ, तो इसके बाद देख ही सकते हैं आप लोग इसका कलर सब कितना अच्छा हुआ है। ये टमाटर सब भी गल जाएंगे अभी। तो इसको हम लोग 5 मिनट के लिए उसको ढक देंगे, ठीक है। तो अब इसको हम लोग चेक करेंगे। तो वाव, देखिए कितना अच्छा बना है ना, इसका कलर वगैरह सब कुछ। ये टमाटर भी दिखिए गल गया। हाँ, तो हमारा पनीर का सब्जी रेडी हो गया। तो मैंने पहले से आलू को बॉईल करके रखा था तो पहले से ही उबाल चुका है, तो हो गया रेडी। तो आप लोग ना ऊपर से बटर थोड़ा सा दे भी सकते हो, तो देने से ना अलग स्वाद आएगा खाने में। तो हो गया मेरा पनीर का सब्जी। तो आज के लिए इतना ही। तो आप लोग ये वीडियो देखकर ज़रूर बताना कि ये रेसिपी आप लोगों को कैसा लगा, और कमेंट करके बताइएगा। ओके, बाय बाय।